तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, ईद मुबारक सभी को। और आज ईद है, फाइनली दिन आ गया है ईद का। और यार हम तैयार होकर आ गए ईदगाह में। और सुबह से हमने क्या चीज़ की है, सुबह 4-5 बजे उठ के बहुत सारे काम किया हमने, तो वीडियो में दिखाएंगे। और मेरे साथ है राहिल और समीर। ईद मुबारक, ईद मुबारक भाईजान। तो मिलते हैं पूरे दिन की वीडियो में शाम को। तब तक सेलिब्रेट करो ईद यार, नमाज वमाज पढ़काओ। अल्लाह हाफिज़। सुबह उठकर फजर पढ़कर सबसे पहले हम पहुंचे ईदगाह में। ईदगाह में हमने कली लेकर शफे बनाई ताकि लोग शफों के हिसाब से नमाज़ पढ़ सकें, उनका रुख ठीक रहे। शफे बनाने के बाद फर्श वाला फ़र्श लेके आ गया और फ़र्श ईदगाह में बिछा दिया। उसके बाद हम घर की तरफ चल दिए। रास्ते में देखा कि आमिर अपनी भैंस के लिए चारा काट रहा था, तो हम उसके पास गए, उससे मुलाकात की और उससे पूछा कि भाई सुबह सुबह चारा क्यों काट रहा है। तो उसने बताया कि ईद की नमाज के बाद हम लोग बिज़ी हो जाएंगे, लोग आते हैं, मेहमान आते हैं, तो इसी वजह से चारा पहले ही खिला दो ताकि भैंस भूखी ना रहे। और यह है मुरसलीन, ये आमिर का मजाक उड़ा रहा था, अब इसका ही मजाक बन गया। फिर हम भी तैयार होकर ईदगाह में आ गए और देखा कि लोग आने लगे हैं ईदगाह में, लोग आके बैठने लगे नमाज के लिए, क्योंकि 8 बजे नमाज का टाइम था, तो लोग टाइम से आए थे कि टाइम से आके बैठ जाएं। उसके बाद मौलाना साहब ने कुछ बयान करे। कि ना तो अपनी इबादत पर भरोसा करके बैठ जाना चाहिए कि हाँ मैंने तो रोजे रख लिए, मैंने तो तरावी पढ़ ली, अब मेरी बख्शिश पक्की। फिर हर बार की तरह मैं और समीर ईदगाह के लिए चंदा उगाने लगे। हम चंदा इसलिए उगाते हैं कि जो भी ईदगाह का काम होता है, जैसे फर्श आना, सफाई होनी, पेंट होना, वो सब इसी पैसे से होता है, तो इसलिए चंदा उगाया जाता है। और फिर मैंने उसके बाद देखा कि लोग आके पीछे खड़े हैं, तो वो आ नहीं रहे थे। मैंने उनको बुलाया कि भाई आके आगे बैठ जाओ, सफ़े खाली हैं, ताकि सफ़े भर जाएँ। तब जाके लोग आके बैठे और फिर थोड़ी देर में नमाज का टाइम हो गया, तो हम भी नमाज़ पढ़ने लगे। जैसे ही नमाज हुई, खुतबा हुआ, तो लोग उठ के एक दूसरे से गले मिलने लगे, ईद मुबारक बोलने लगे, जैसा कि हर बार होता है। यूजुअली यही होता है कि नमाज के बाद लोग ईद मुबारक बोलते हैं, गले मिलते हैं, और एक यही जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग मिल लेते हैं, उसके बाद तो लोग इधर उधर हो जाते हैं। और उसके बाद हमने भी एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी गले मिल मिल कर। और फिर उसके बाद हम लोगों ने फ़ोटो क्लिक कराए, कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करा के हम चल दिए कब्रिस्तान की तरफ, क्योंकि कब्रिस्तान में जाके दुआएं मांगनी होती है। और फिर हम आ गए अपने कब्रिस्तान में, और अपने कब्रिस्तान में आने के बाद हमने दुआएं मांगी, कब्र के आगे खड़े होकर दरूद शरीफ पढ़ी। हम दरूद शरीफ इसलिए पढ़ते हैं, कुल इसलिए पढ़ते हैं, कुछ दुआएं इसलिए मांगते हैं ताकि जो लोग जिनका इंतकाल हो चुका है, जो इस ईद पर हमारे साथ नहीं है, वो सब हमारे ही बड़े हैं, हमारे ही भाई बंधु हैं, तो उनके लिए दुआएं मांगी जाती है। वो लोग हमारा इंतज़ार करते हैं, कल को यार हम लोग नहीं रहेंगे तो हमारे लिए कोई और दुआ मांगे, आज हम किसी और के लिए मांगेंगे तो कल को कोई हमारे लिए दुआ मांगेगा। यह है सारा हमारा कब्रिस्तान, हालांकि अब इसमें दूसरे गांव के लोग भी आके दफन करने लगे, पर ये हमारा कब्रिस्तान है। उसके बाद हम आ गए आमिर के घर। आमिर के घर आके हमने शीर ली और बहुत सारे गाँव के बच्चे और आ गए थे। उसके बाद हम निकल गए एक दूसरे के घर। ईद मुबारक, क्या हाल है? ईद मुबारक भाई, ईद मुबारक आमिर भाई, तेरी वीडियो चाहिए। ईद मुबारक भाई, और नौजवान ईद मुबारक भाई, आपको बहुत बहुत मुबारक। शुक्रिया, बस दुआएं आपकी। अच्छा व्लॉग बना रहा क्या? हाँ। ये हम सकीम के घर आ गए।
हाँ बस ईद मुबारक। और फिर सब लोग इतना घूमने के बाद मेरे घर आ गए। मेरे घर आके भी इन्होंने शीर और चने का लुत्फ़ उठाया और पीछे अम्मी पापा बैठे हैं, सबने अम्मी पापा से सर पे हाथ फिरवाया, दुआएं ली। थोड़ी देर मेरे घर रुकने के बाद फिर हम चलते सीधा फरीद के घर, उसका फोन आ रहा था। मैं वीडियो में आ रहे हो भैया, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा भैया है। अरे मम्मू इधर आ रहा है। फरीद के घर से आने के बाद हम सब लोग आ गए दाऊद भाई के घर और यहाँ पे हमने शीर लिया, चने लिया और बहुत सारा एंजॉय किया। ये घर हमारे गांव का सबसे एंड में पड़ता है, तो ये लास्ट था, आखिरी था, और एक रास्ते से शुरुआत में पड़ता है, तो दोनों तरफ पड़ता है। यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा एंजॉय करने के बाद, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीने के बाद, हम वापस अपने अपने घर चले गए। और फिर शाम को हमने क्रिकेट मैच रखा शादीशुदा और कुंवारों के बीच में और सीधा पहुँच गया क्रिकेट ग्राउंड में। तो भैया हमारे गाँव का मैच है ईद में, आधे लोग शादीशुदा हैं और आधे कुंवारे हैं। अरे ये बुलवाना है कि ये तुम शादीशुदा है कुंवारा, ऐसा बोला जा रहा है। कप्तान कप्तान हेड हेड बता क्या कर रहा है। किसकी टीम जीती? मेरी। शादीशुदा वालों की टीम जीती। कार कार की मैं जवाब देता हूं, मस्करा लेके मस्करा लेके आया जवाब। ये तो अजीब ही कप्तान है। हम बोल कराएंगे, पहले हम बोल कराएंगे। बॉलिंग है इनकी, बैटिंग देते हैं तुम्हें, बैटिंग देते हैं तुमको। माही माही मारियो हो धोनी, हां धोनी, अबे टीचर धोनी आप हो यार, धोनी सर ऐसे बता रहे हैं। अब ये कह रहे हैं हम बॉल कराएंगे, माही मारेगा। हां बिल्कुल मारेगा, माही मारेगा, माही उठा जाएगा हाथ मारेगा, माही 0 पे डब्ल्यू ना रंडी मारेगा साल। और ये सारे बच्चे हमारी ऑडियंस बन के आए थे, बोल रहे थे कि हमको भी वीडियो मिलो, हमको भी वीडियो मिलो। ये सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कुंवारे और शादीशुदा के मैच में, क्योंकि ये सब भी कुंवारे हैं तो ये हमारी ही तरफ थे। और मैच शुरू हो गया। बहुत बढ़िया, भागो, बहुत बढ़िया। इसी के साथ 27 रन, 2 मैच में हमारी टीम ने बनाए 148 रन। ये देख के दूसरी टीम वैसे ही लड़खड़ा गई थी और हमारे कप्तान MS धोनी यानी मुस्तकीम ने कुछ राय दी। देखो मेरी बात सुनो, पहले हमारे रन बहुत अच्छे माशाल्लाह बन चुके हैं, कोई इसमें शक नहीं है। अब हमें फील्डिंग और बॉलिंग दोनों पे मेहनत करनी है और इतनी मेहनत करनी है कि हमें अपनी जीत साबित करनी है। और बहुत ही आसानी से 100 रन के साथ हम अपना मैच जीत गए और हमारे कुंवारे लोगों ने, जो हमारे ऑडियंस थी, इन्होंने एंजॉय किया। शाम को मैं आ गया अपनी बहन के यहाँ पे, मैंने अपनी भांजी और भांजे को ईद दी। ये नहीं, ये वाले, अरे इधर वाले साले, नहीं ले भी ले, तू भी ले ले अपना। प्यारे सलाम करो। हाँ सलाम। और कौन है? सनाया, सनाया बुला के ले लो, हो जाएगा जल्दी, हो जाएगा। लो लो, सलाम, ईद मुबारक, ईद मुबारक। ईदी मिलने के बाद अबू फजल ने काफ़ी मस्ती की। इसी के मस्ती के साथ हमारा ईद का दिन ख़त्म हो चुका था। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़ और ईद मुबारक सभी को।